नमस्कार, नव भारत मंथन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और हम आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए एक सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्रामीण परिवेश में खासकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। आज हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे, हमारे साथ काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फ़ायदा मिला है, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके जरिए झारखंड में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जी हैं, ये मांडर की विधायक हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह जो सामाजिक बदलाव हो रहा है वो गाँव में किस तरह से दिख रहा है, वो ये बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ संजय कुमार हैं जो अपर निदेशक हैं, और साथ ही साथ ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस तरह से लोगों के बीच पहुँच रही है, उसके ये नोडल पदाधिकारी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हरीश दीपक जी हैं जो IOC से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ के संयोजक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन और लोगों के बीच जो वो गैस पहुँच रहा है वो किस तरह से पहुँचे वो देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उमेश राय जी हैं, ये एक वितरक हैं और इन्होंने अभी हाल में ही जो एक हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सोच है कि ग्रामीणों तक कैसे पहुंचे, तो उसमें कुछ ऐसे वितरक भी हैं जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें एक उमेश राय जी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ बिन्नी उराव हैं, ये एक लाभार्थी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह उन्हें फ़ायदा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे साथ करीब स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं जो लाभार्थी हैं इस योजना से, उनसे भी जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो हम पहले देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या कुछ है और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बदलाव और सपना देखा है। आहार हमारे जीवन का आधार है, भोजन के बिना जीवन की कल्पना ही बेमानी है। जीव जगत के प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकृति ने आहार मुहैया कराया है, लेकिन मनुष्य संभवतः जीव जगत का एक ऐसा इकलौता प्राणी है जो भोजन को पकाता है, परोसता है और फिर उसे ग्रहण करता है। हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है जिसमें भोजन पकाने से परोसने तक का दायित्व घर की गृहिणियों पर होता है। यह सच है कि 21वीं सदी के इस दौर में भोजन पकाने से लेकर परोसने तक के लिए सैकड़ों तरह के बर्तन और उपकरण उपलब्ध हैं। बावजूद इसके सुदूर देहातों में रहने वाली गृहिणियों के लिए ईंधन का इंतजाम करना और खाना पकाना एक बड़ी चुनौती से जरा भी कम नहीं। इस चुनौती का सामना करते करते सुदूर देहातों में रहने वाली न जाने कितनी महिलाओं का समय और श्रम चूल्हे की होम चढ़ जाता है। न जाने कितने सपने चूल्हे से उठने वाले धुएं में विलीन हो जाते हैं, न जाने कितने अरमान चूल्हे के राख में दफन हो जाते हैं। सर्वांगीण और समावेशी विकास के सपने को साकार करने के लिए जो नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस महत्वाकांक्षी समाज कल्याणकारी योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देकर की गई। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत को बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वह आराम से कर सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 5 करोड़ BPL धारी महिलाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा 8000 करोड़ रुपए 2016 से 2019 तक खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में देश में तकरीबन 17 करोड़ की सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं और इसमें अधिकांश शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। यह योजना गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में कामयाब भी रही है।
उज्ज्वला योजना के तहत आज हम सभी महिलाओं को गैस मिला है ताकि हम लोगों का हाथ गंदा ना हो और धुआं से किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। बहुत सुविधा हुआ है, जैसे कि हम लोग लकड़ी में पहले बनाते थे ना चूल्हा में, तो फिर लकड़ी क्या बोलते कभी भी बरसात में भीग जाता था और जलने में भी बड़ी कठिनाई होते थे, बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जा पाते थे, हम लोग काम टाइम से काम करने नहीं जा पाते थे। और अभी जब ये मिला है मुफ्त में तो हमको बहुत सुविधा है। पहले हम लोग चूल्हा में बहुत परेशानी रहते थे, दिन भर चूल्हा पीछे लग दे रहते थे, धुआं होता था, लकड़ी जलाओ गोठा डालो तब खाना बनाते थे। अब गैस मिल गया हम लोग का तो हम लोग बहुत खुश हैं। 2017 से हम लोग को बहुत राहत आए हैं, हम लोग को गैस मिला तो हम लोग को खाना बनाने के लिए बहुत आराम है। प्रधानमंत्री की इस योजना को गति प्रदान करने के लिए गिव इट अप अभियान के तहत करोड़ों आर्थिक रूप से समर्थ एलपीजी उपभोक्ताओं ने बाजार मूल्य में गैस सिलेंडर खरीदना स्वीकार किया। गैस सिलेंडर में सब्सिडी न ले, देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए, ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं, वो आपके जीवन का संतोष होगा। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के मूल मंत्र के साथ शुरू की गई यह योजना न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में एक सार्थक पहल है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक सशक्त कदम है। यह योजना ग्राम उत्थान और समावेशी विकास की परिकल्पनाओं के कैनवास में भी रंग भर रही है, के साथ साथ अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी यह योजना कारगर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। इस रिपोर्ट के जरिए यह देख रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री की जो सोच है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, उनका जो हेल्थ जो एक पहलू है उसमें सुधार हो, तो इस तरह का बदलाव समाज में दिख रहा है। और इस प्रधानमंत्री की सोच को जमीन तक पहुंचाने में हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ सारे सरकारी अधिकारियों की भी उतनी ही भूमिका है। तो हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हम झारखंड में इस अभियान को, इस मुहिम को पाने में सफल हुए हैं और कब तक इसे हम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कमेंट गंगोत्री कुजूर जी से लेंगे। प्रधानमंत्री की सोच को आप जमीन पर उतारने में क्या मदद कर रही हैं? आज आप यहाँ पर, सबसे पहले तो नमस्कार, आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे जो उज्ज्वला योजना से जिनको लाभ मिल चुका है ये यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, जब एक जून से, मई से 2016 से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, लगातार ये कार्यक्रम झारखंड में भी ये हो रहा है। और झारखंड में एक अच्छी बात ये है कि जो रिफिल भराने का वो बिल्कुल मुफ्त और चूल्हा भी मुफ्त यहाँ पे दिया जा रहा है। ये बातें अपने जब ये कहा तो हम सब जब ऐसे बैठे थे, मैं मांडर विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी बहुल एरिया है, मैंने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि यहाँ बिल्कुल आदिवासी बिल्कुल गरीब हैं, जो अगर आप केवल कनेक्शन देंगे तो फिर वो चूल्हा अपने आप नहीं खरीद पाएंगे। और ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि मुफ्त चूल्हा का भी वितरण होगा। झारखंड देश का पहला राज्य, एकलौता राज्य है अभी। और इस कार्य को बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने किया। और जब यह पूरे गांव में बंटने लगे, प्रखंड लेवल पे गांव तक, पंचायत तक जब पहुंचे, घर घर तक जब पहुंचे, तो हम सबों ने यही एक ये लिया कि इसको एक बिल्कुल एक जन आंदोलन की तरह, क्योंकि यह विशेषकर महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा अंग है और महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें महिलाएं जो आ रही हैं, आज के अगर ये मैं कहूँ आदिवासी समाज में कहूँ, तो महिला एक वट वृक्ष है जो अपने घर को पूरे ये पे संरक्षित और सुरक्षित रखती है। तो ऐसे समय में जब इनके पास समय इस गैस चूल्हा के माध्यम से बचता है तो ये अपना काम बखूबी, बड़ी मतलब इससे इनका एक आर्थिक सशक्तिकरण और समय मैनेजमेंट और घर में लाइफ में बदलाव भी आया है सारा कुछ। और एक महिला होने के नाते हम इसमें कमेंट लेंगे कि किस तरह से जो एक शुरुआती दिक्कतें होती थी लोगों के, हर दौर में गैस आने का एक क्रांति हुआ है और अब घर घर गैस पहुंचने लगा है, लेकिन एक शुरुआती दौर की बात अगर आज के जमाने में हम शेयर करें आपके जरिए, तो किस तरह का आपको लगता है कि एक बदलाव आया है? एक बहुत बड़ा बदलाव आया इसके मार्फत, क्योंकि एक प्रतिनिधि होने के नाते हम उनके
घर घर तक पहुंचते हैं, चूल्हे तक पहुंचते हैं महिला होने के नाते, तो उनकी जो परिस्थिति होती है, स्थिति होती है, उसे रूबरू होते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसे शेयर करते हैं, तो बिल्कुल जो आत्मीयता के साथ आप उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बतलाते हैं क्या परेशानियाँ हैं। अब इसमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य की बातें, क्योंकि जब जलावन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं तो लकड़ियाँ बिल्कुल स्वच्छ वातावरण से ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें पोरा पत्थर भी जो है वो भी जलाते हैं, तो जैसे भी है उससे खाना बनता है, खाना परोसा जाता है, खा लेते हैं, लेकिन इसमें है बिल्कुल स्वच्छ स्वच्छ ईंधन, ये ईंधन स्वच्छ, तो इसलिए परिवेश भी मिलेगा, परिवेश भी मिलता है, जो वातावरण में है उसमें भी बदलाव है, साथ ही साथ जो समय है उसका भी ये सदुपयोग कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब बोले कि स्वच्छ खाना मिलता है, जो ईंधन हम जला रहे हैं, लकड़ियाँ जलती थी, गोएठे जलते थे, तो उससे लगातार जो धुआं निकलता था, तो इनके हेल्थ पे हेल्थ का इफेक्ट रहता, बहुत ज़्यादा असर होता। आप भी आगे जानेंगे गंगोत्री जी, सजय जी से पहला रिएक्शन हम लेना चाहते हैं, पर चर्चा को हम आगे जब बढ़ाएंगे, तो किस तरह से झारखंड में जब इसे एक अभियान का मोड दिया गया, तो अब तक आपने जो अचीवमेंट लिया, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आप लोग समय से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को झारखंड में पूरा कर लेंगे। मेरा मानना है कि ये महिलाएं इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं कि इनके जागरूकता के कारण ही हम लोग ये अचीव कर पाए हैं। विभाग हम लोग का फूड सप्लाई डिपार्टमेंट और IOC के हरीश जी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हम लोग दूसरे एक दूसरे का प्रॉब्लम को समझते हैं और मिल बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं, और इन लोगों के आगे आने के कारण हम लोग बहुत अच्छा अचीव किए हैं। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 12 लाख दिए हैं उज्ज्वला योजना में, अब तक हम लोग 24 लाख, जो अभी आपने एक रिपोर्ट हम लोग दिखा रहे थे, जो जिसमें 29 लाख था, ये 29 लाख ये पहले का चीज़ था, अभी हम लोग उसको जो नया टारगेट हम लोग को रिवाइज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर 36 लाख हो गया है, जिसमें हम लोग 24 लाख अचीव कर चुके हैं, SV इशूड है। इसमें एक अच्छा फैक्ट भी है संजय जी, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि झारखंड में जितना गैस कनेक्शन पहले दिया गया था, और जितने सब्सिडी वाले लोग थे, जो हम कह सकते हैं उज्ज्वला के पहले वाले लोग थे, उसमें करीब 22 लाख लोग हैं, तो उसको भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं उज्ज्वला के तहत, एक बड़ी उपलब्धि है। 22 लाख जी, 70 साल में 22 लाख बना, शुरू से भी माने इतने 16 के लास्ट तक, माने 16 तक कह लीजिए, जो यहाँ का पेनिट्रेशन 22 लाख ही था, 22 लाख लोगों के बीच में था, और उज्ज्वला के माध्यम से 24 लाख और हो गया जी। अचीवमेंट बिना इन लोग के सहयोग के संभव नहीं था। नहीं तो जागरूकता लाने में जैसे प्रधानमंत्री ने एक जन आंदोलन का रूप दिया कि भाई जो महिलाएं से जुड़े हुए चीजें हैं उन्हें एक जन आंदोलन दिया, उसमें सरकारी अमले की भी उतनी ही भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, लेकिन अगर आम आदमी उसके लिए आगे नहीं आए तो परेशानी हो सकती है, तो वो एक बड़ी भूमिका है। हरीश जी, क्या किस तरह से शुरुआती कोई दिक्कतें थी जो इस अभियान को आप लोगों ने रोड पे उतारा? जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि जो 5 करोड़ का जो टारगेट था जो भारत सरकार ने दिया था, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया 31 अगस्त को, तो अब हमारा जो नया टारगेट है वो 8 करोड़ का हो गया, और इसे हमें अगले एक साल में और अचीव करना है, तो उसकी उस दिशा में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ झारखंड में हम लोगों ने ऑलरेडी करीब 24 लाख कनेक्शन कर लिए, और ये प्रथम बार ऐसा हुआ है जहाँ पर कि रेगुलर कनेक्शन से ज़्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन हो गए, तो अब इसी दिशा में हम लोग सभी काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी ही टारगेट को अचीव कर लेंगे। शुरुआत जब इसकी हुई थी अक्टूबर 2016 में यहाँ पर झारखंड में, तो उस समय वाकई ये बहुत ही चैलेंज था, क्योंकि झारखंड में इजिली कोयला अवेलेबल है, इजिली लकड़ी अवेलेबल है, और जो यहाँ का लाइफ स्टाइल है वो उसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अराउंड ही घूमता था। तो शुरुआती दौर में हमें लोगों को प्रेरित करना और इनको गैस की ओर लाना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसमें हमें काफ़ी मदद मिली राज्य सरकार से भी, और यहाँ के हमारे माननीय विधायक और जितने भी सांसद प्रतिनिधि वगैरह सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया और इसका प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण ये
धरातल पर ये स्कीम काफी अच्छे से पहुंची और अब जाकर के ये प्रगति जो है अब हम लोग इसको पूरे टारगेट को अचीव करने की ओर अग्रसर है। तो पूरे टारगेट को अचीव करने की ओर झारखंड है और झारखंड में है ये उम्मीद की जा रही है कि इसी साल आखिर तक में झारखंड अपने पूरे जो यहाँ के हाउस होल्ड हैं उनके घर घर तक गैस पहुँचाएगा और वहाँ पर वो चूल्हे के जरिए अपने जो लजीज व्यंजन है वो अपने घर में पकाएंगे। हमारे साथ उमेश राय जी हैं, किस तरह से अभी हाल में भी आपने कुछ लोगों को एक कैंप लगाकर गैस का वितरण किया, तो कैसे लोग को इसका फ़ायदा आप लोग पहुँचा रहे हैं, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। हम थोड़ा सा शुरू से अगर आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। सबसे पहले आज हम लोगों का चूँकि इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज इंडियन ऑयल डे है, उसकी शुभकामनाएं मैं सारे अपने वैल्यूएबल कस्टमरों को उपभोक्ताओं को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंडियन ऑयल आपके साथ हमेशा रहेगा। दूसरा, एलपीजी गैस की शुरुआत 60-65 के दशक में हिंदुस्तान में हुई थी, उस समय बहुत ही लाइट क्लास के लोगों के पास गैस कनेक्शन होता था और गैस लेके जब उस समय लोग जाते थे तो जो हमारी सामाजिक मानसिकता है उसमें लोगों के दिमाग में था ये तो मांसाहारी है या इस तरह का है, तो कनेक्शन लोग लेते नहीं थे, ये महानगरों तक सीमित था। 70-80 के दशक में छोटे शहरों में फिर इसकी सप्लाई शुरू हुई और धीरे धीरे लोग जब उससे यूज़ टू हुए तो कनेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी। 80-90 तक इसकी डिमांड चरम पे पहुंच गई और 90-2000 के बीच में दो दो तीन तीन साल का वेटिंग लिस्ट होना शुरू हुआ। आज आपने नंबर लगाया गैस का कनेक्शन के लिए तो 2-3 साल वेट करना पड़ता था और उसमें उस समय जैसे BSNL का टेलीफोन होता था वैसे ही गैस के लिए MP को कूपन मिलता था और जिसको वो कूपन दे देता था वो उपभोक्ता हमारे खुशी के और उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, उस हिसाब से प्रोडक्शन सप्लाई नहीं हो पाती। 2000 में जब BJP की गवर्नमेंट अटल जी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने लिबरलाइजेशन के तहत इसको ओपन किया मार्केट को कि भाई आप सिलेंडर लो, तो उस समय एकदम से डिमांड घट गया। अभी जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जब बात होने लगी, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसमें किस तरह से आपके पास जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला के कस्टमर्स हैं मतलब पहुंचने लगे, आप लोग भी उसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो एक जो शॉर्टेज होता था वो लगभग खत्म हो चुका है, तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, शुरू में 2016 में जब ये स्कीम बलिया में लॉन्च हुई तो वो डाटा SC ST डाटा जो 2011 का सर्वे था उस बेस पे कनेक्शन देने थे, तो 2011 का सर्वे और 2016 में जब उसको टैली करना शुरू किए तो उसमें 50% उपभोक्ता हम लोगों को नहीं मिले। एक ये बहुत बड़ा डिमेरिट उस समय उस स्कीम का था जो टाइम टू टाइम और अधिकारियों ने रिव्यू किया, हम लोग खोजने थे कि भाई ये SC ST डाटा जो 2011 का BPL सर्वे लिस्ट है इसमें वो लाभुक मिल ही नहीं रहा है, आखिर लाभुक गया कहाँ। तो 2011 का सर्वे हम नहीं मानते कि बहुत अच्छा सर्वे था या कंप्लीट था या हो सकता है, पर उसके बाद जब 2018 में इसको एक्सटेंडेड उज्ज्वला लॉन्च हुआ कि भाई इसमें ये कवरेज होगी जो अंत्योदय कार्ड है, जो लाल कार्ड है, जो फॉरेस्ट लेवलर्स हैं, जो हमारे आइसलैंड में रहने वाले लोग हैं, OBC1 के जो हमारे लाभुक हैं, तो उस तरह से और भी लोग इसमें आगे आए और उन्होंने लेना शुरू किया। हमारे साथ बिन्नी उराव जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आपको फ़ायदा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिलने के बाद। नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों को सभी को उज्ज्वला योजना से, जब उज्ज्वला योजना नहीं आई थी तब हम सभी महिलाओं को इतना दिक्कत होती थी कि हम उतना दिक्कत को पूरा क्या बोलेंगे कि जैसे जंगल जाते थे, जंगल तो अभी सारे जंगल कटे जा रहे हैं, लकड़ी तो हम लोग को मिल नहीं पाता है और लकड़ी काफ़ी महंगाई भी हो गई, उसके दौर ये हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। जैसे अभी रास्ता के बगल में पेड़ पौधे लगे हैं, उसका पेड़ पौधे का जो पत्ते झड़ते हैं
उस पत्ते को हम लोग झाड़ू लेकर टोकरी लेकर के हम लोग जाते हैं पत्ता चुनलाते थे चुनने के लिए। गैस आपके घर में आ गया तो कैसे आपका जीवन बदल रहा है? अभी जैसे गैस आ गया तो हमको बहुत खुशी होती है कि इतना खुशी फील होती है मन में कि मेरे बच्चे जो एब्सेंट करते थे कभी उसको टिफिन नहीं दे पाते थे टाइम से नाश्ता नहीं खिला पाते थे जो उसके जरिए बच्चा एब्सेंट हो जाता था तो अभी एब्सेंट नहीं करते हैं बच्चा को हम टाइम से खिलाते पिलाते हैं और उसका टिफिन दे के उसको स्कूल। तो ये बिन्नी उराव जी बता रही है कि किस तरह से एक सामाजिक बदलाव के साथ साथ उनके घर में भी बदलाव आया है। बच्चे अब समय पर स्कूल जाते हैं उनका टिफिन बनता है और उनके जीवन यापन का तरीका बदला है। हमारे साथ हमने राज्य भर के कुछ लोगों से भी बात की है, हम जरा जनता जनार्दन की भी राय लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उनको फायदा हुआ है। तो जरा हम सुनते हैं कुछ लोगों के प्रतिक्रिया। इस साइड में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से चूल्हा गैस मिलल बा और सहूलियत अच्छा हो गई। लकड़ी पर बनावत रही, फायदे वाला पहले पतौर लकड़ी जलात रही तो अब तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब तो गैस पर मिल गई है तो जखनी मन तखनी रोटी बना के खा लें। अब तो नहीं आराम है, कोयले जलाते थे पहले दिक्कत होता बहुत धुआं धुआं होता है ना तो बच्चा उच्चा जाए स्कूल जाने में देरी होता था। अब गैस मिल गया तब आराम होता है। पहले कोयला यूज होता था तो बहुत परेशानी होता था, धुआं होता था, मन लगता था, स्कूल जाने में भी लेट उठ होता था। लेकिन जब से ही गैस मिल गया तो अब आराम है। तो ठाम घर में गए तो बड़ी दिक्कत हो, धुआं हो गए, बाल बच्चा से तकलीफ हो गए। और अब गैस में बनवाए तो अच्छा से बनवाए खाना उना। पहले उठा मारे खाना बनावे लिए अब सरकार ये जिनसे गैस वाले जिनसे सुविधा हो गई, धुआं धुकुर ना हो। पहले कोयला से खाना बनाते थे बहुत दिक्कत होता था, लकड़ी खोजना पड़ता था चाहे गोइठा लाना पड़ता था। तब गैस हो गया 2017 से हम लोग ठीक से खाना बना रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आज हम सभी महिलाओं को गैस मिला है ताकि हम लोगों का हाथ गंदा ना हो और धुआं से किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। उज्ज्वला योजना की तरफ से आज विनोद गैस एजेंसी के थ्रू मतलब 200 कार्ड गाड़ी गैस वितरण की जा रही है। धुआं निकलता था, प्रदूषित खराब हो जाता था। बहुत सुविधा हुआ है, जैसे कि हम लोग लकड़ी में पहले बनाते थे ना चूल्हा में तो फिर लकड़ी क्या बोलते कभी भी बरसात में भीग जाता था और जलने में भी बड़ी कठिनाई होते थे। बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जा पाते थे, हम लोग काम टाइम से काम करने नहीं जा पाते थे। और अभी जब ये मिला है मुफ्त में तो हमको बहुत सुविधा है। पहले मेरी माँ चूल्हा में खाना बनाती थी तो यहाँ लेट होता था और धुआं भी निकलता था जिससे आँख में जलन होती थी। अब गैस चूल्हा के आ जाने से बहुत सुविधा हो गई है। गैस से फायदा है इसलिए कि लकड़ी लेने जाना पड़ रहा है, आराम से घर में बना रहे हैं। पहले जाना पड़ता था जंगल में लाने, बहुत तकलीफ था। अब नाने उने के लिए नहीं पड़ रहा, आराम से गैस पर पका रहे हैं और टाइम से बन भी जा रहा लकड़ी से बहुत आराम है। तो हम आपके सामने झारखंड के कुछ वैसे लोगों की राय लेकर आए जिसमें सभी पीढ़ी के लोग थे। हम देख रहे थे कि 70 साल की महिलाएं भी थी जो बता रही थी कि पहले गैस नहीं होने से उनकी क्या परेशानी थी, और कुछ यूथ भी थे, युवा भी थे जो अभी 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उनके घर में बदलाव आया है, किस तरह से सामाजिक बदलाव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए आया है। क्या मैम, किस तरह से हम कहें एक क्रांति जो आनी चाहिए थी वो आ रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से? बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी बहुत एक धन्यवाद के पात्र हैं, साथ ही अपने राज्य सरकार रघुवर दास जी भी। और इसमें आप जैसे ये के ऑडियो के मार्फत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना बदलाव आ गया, और सही में हम लोग देखते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि गांव में जो पहले परेशानियाँ थी, लोग महिलाएँ ज़्यादा ये पे निकल नहीं पाती थी, और हम कहें कि आधी आबादी अगर महिला सशक्तिकरण को अगर हम उस ये में पहल करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो जन जागरण के माध्यम से जो हम लोग ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं तो इसमें उनका जो सहयोग होगा सामाजिक आर्थिक तौर पे, जो हम कहते हैं 2022 तक इनके आमदनी को भी दुगुनी करनी है, तो ऐसे जो पहल है उसमें हमारा जो समय है वो इंक्लूड होगा। तो समय के जरिए
आर्थिक सशक्तिकरण होगा और जो सामाजिक बदलाव और जो प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए नारा दिया है कि 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी हो, तो उसमें इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं कि घर में महिलाओं का वातावरण अगर अच्छा होगा तो महिलाएं भी हाथ बटाएंगी, तो उससे क्योंकि अब उज्ज्वला योजना से उनके समय की बचत हो जा रही है तो महिलाएं भी उसमें भागीदार होंगी, तो इसके जरिए एक सामाजिक बदलाव, तो हम कह सकते हैं कि सारे चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। उसमें साथ ही साथ ये जो बोल रहे हैं ना कि बच्चों को हम समय से स्कूल भेज पा रहे हैं, तो एक नई पीढ़ी भी अच्छी तैयार हो रही है, उसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। जी संजय जी, लक्ष्य को पाने के लिए आप लोग एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक किस तरह से कुछ आने वाले दिनों में और हम कहें कि ये मिशन मोड और देखने को मिलेगा? सबसे पहले जो SECC डाटा, जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे डाटा पर ही आधारित, तो उसमें ये लोग सही कह रहे थे कि कुछ हम लोग का ऐसा नहीं था, जो लाभुक मिल नहीं रहे थे, लाभुक थे उसमें भी 29 लाख लाभुक थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो था ही फिर भी। लेकिन अब जो नया रिवाइज आया है उसमें हम लोग के पास थोड़ा सा स्कोप बढ़ा है, और KYC आइडेंटिफिकेशन मतलब जो एक्चुअल लाभुक, तो KYC कराना एक टास्क था जो पहले राज्य सरकार ने इसमें 20 सूत्री के मेंबर्स को ही किया था, लेकिन बाद में लगा जो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो हम लोग PDS को टारगेट दिए हैं, PDS जो दुकानदार हैं तो उन लोगों को टारगेट दिए हैं, और उसका हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कंटिन्यूस उसको रिव्यू करते हैं। इस GSA 2 के दौरान जो 1 जून से 15 जुलाई के 15 अगस्त के बीच में था, उसमें हर वीक में हर सोमवार को वो VC के थ्रू सभी DC से कनेक्ट रहे, और हम लोग सब PDS को टारगेट दिए, और आने वाले अभी जरा डिस्ट्रीब्यूशन जो बीच में जो ढाई महीने में हम लोग 8 लाख कनेक्शन दिए, 8 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 8.5 लाख कनेक्शन दिए, तो उनका अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो अभी आप लगातार सुन रहे हैं, जो कैंप लग रहा है तो वो चल रहा है। तो KYC का काम हम लोग अभी छोड़े हुए नहीं, बस स्लो है थोड़ा सा, लेकिन तुरंत ही इस महीने के अंत तक, माने अब तो ख़त्म ही हो गया, माने आने वाले 10-15 दिन में सारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसी मोड में आ जाएंगे, और इस वित्तीय वर्ष इस साल दिसंबर तक हम लोग पूरा हर घर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गैस पहुंचेगा। हरीश जी से हम एक कमेंट ये लेना चाहते हैं कि एक तरह की शिकायतें आती है या सुनने में आती है, अब इसमें कितनी सत्यता है ये आपके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं जिनको फायदा मिला है वो फिर दोबारा गैस लेने नहीं पहुंचते, क्या ऐसा कुछ फैक्ट, अगर कुछ आपके पास कुछ डाटा है कि पहले लोग किस तरह से गैस यूज करते थे और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है वो आपके तक फिर दोबारा गैस या रिफिलिंग के लिए कितनी बार पहुंच रहे, तो थोड़ा सा हमको जानकारी इसके बारे में। इसमें मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूँगा कि चूंकि मैंने शुरू में ही कहा ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है जिसमें कि आप किसी की दिनचर्या किसी के लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में वाकई में थोड़ा जो रिफिल का लेने का जो प्रगति है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कस्टमर्स। नॉर्मल कस्टमर करीब 6 से 7 सिलेंडर लेते हैं साल में, वैसे लाभुक जो हमारे उज्ज्वला के हैं वो साल भर में अभी 3.2 एवरेज जो झारखंड का है वो 3.2 रिफिल्स पर ईयर ले रहे हैं, तो जो वाकई में कोई ख़राब फिगर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा और ग्रेजुअली हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं ये भी नॉर्मल लाभार्थी की तरह 6-7 सिलेंडर साल भर में लेने लगेंगे। इसमें मैं एक थोड़ा चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने एक स्कीम के द्वारा उज्ज्वला के लाभुकों को एक ये भी फैसिलिटी दिया है कि वो जब चाहें 5 किलो के सिलेंडर में भी रिफ़िल ले सकते हैं। जैसे कि हमें एक शिकायतें मिल रही थी कि एक मुश्त 900 रुपये 800 रुपये जो एक सिलेंडर का दाम होता है वो देने के लिए बहुत से लाभार्थी के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए अभी एक 5 किलो का सिलेंडर 250 से 300 रुपये में आ जाता है, तो कोई अगर चाहता है कि वो 5 किलो का ही पैक ले तो वो 14 का सिलेंडर वापस करके 5 किलो में ले सकता है, फिर कभी उसके पास पैसा ज़्यादा हुआ तो वो 5 किलो का सिलेंडर वापस दे करके फिर 14 भी ले सकता है, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में उनको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो रिफ़िल का दाम है वही देना है, और दोनों ही केस में उनका सब्सिडी जो है उनके अकाउंट में जाएगा।
तो ये काफी एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है, जिससे कि मुझे मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए किस तरह लोगों को फायदा हो इसके सारे डायमेंशंस और आयाम को भी देखा गया है, ताकि ऐसा ना हो कि गरीबी के कारण कोई अगर एक बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा लिया और फिर दोबारा उसके जरिए वो फायदा नहीं उठा सके। तो इसकी भी पहल की गई है। हमारे साथ कुछ लाभार्थी हैं जिनके हम एक्सपीरियंस आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उनके जिंदगी में बदलाव लाया है और वो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें क्या कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है क्या। जी तो हम कुछ लोगों की राय जानते हैं। बच्चे को स्कूल में जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, टाइम से खाना नहीं बनता है, इसलिए हम लोग को गैस चूल्हा मिला है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद में हम लोग को भी काम जाना पड़ता है तो काम भी लेट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी लकड़ी पत्ता चुनने कहाँ जाएंगे और बनाएंगे, बरसात में तो लकड़ी भीग जाता है, इसे अब अच्छा लगता है। मोदी सरकार जब से आया ना तो इंदिरा आवास भी दे दिया, गैस भी साथ दे दिया, सब चीज सुविधा किया। हम लोग बहुत तड़पते थे पक्का घर देखने के लिए, अब वो भी दे दिया मोदी सरकार। गांव का नेता बन गया तो वो लोग हमको बहुत सुविधा दिया, हम लोग का गांव का बच्चा सब नेता बन के बहुत हम लोग को खुश है, मन में सब चीज खुश आया। नमस्ते। और खाना बनाते हैं गैस में तो हम लोग बहुत खुश है, सबको करना है। राहत तो सोचते हैं कि थोड़ा और राहत मिल गया है, आराम थोड़ा करते हैं कि चलो सोते हैं, आराम से खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, बहुत खुश लगता है। बस मैं मांडर प्रखंड में ही पढ़ी लिखी हूँ, वहीं पे रहती थी बचपन से। माँ बाप लोग कभी काम करने के लिए जाते थे, हम लोग को पत्ता झाड़ू करने के लिए भेजते थे, अभी वो सब चीज़ से हम लोग मुफ्त हुए हैं, गैस मिला इसलिए अभी आराम से खाते पीते हैं। अगर अपना बच्चा को स्कूल सब भेजते हैं, टिफिन सब डाल के भेजते हैं, हम भी घर में आराम से रहते हैं, हस्बैंड को भेजते हैं काम करने के लिए, हम लोग को अभी वो सब चीज़ से बहुत सुविधा मिला है ये उज्ज्वला गैस से। सबको प्रणाम मेरा, जब से गैस मिला है सब मैं बहुत खुश हूँ। पहले से नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था हम लोग को लकड़ी जलाने में, अभी गैस मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबको अभी बच्चा सबको जाने में दिक्कत नहीं होता है, पहले बहुत दिक्कत होता था हम लोग को गैस नहीं था तो, और अभी जब से मिला है तब से मैं बहुत खुश हूँ। गैस मिला तो बहुत ही आराम मिला हम लोग को, सुबह ही उठते थे लकड़ी जमा करते थे, लकड़ी रखते थे, कोयला रखते थे, तब जाके चूल्हा जलाते थे। अब गैस मिला तो उठ के बस थोड़ा देर बैठ भी लेते हैं, फिर बैठ के फिर और गैस जला के फिर एक घंटे में खाना उना सारा चीज़ बन जाता है हम लोग का। खाना उना बनने के बाद फिर हम लोग नौ बजे से पहले ही हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है और फिर चल जाते काम करने। तो हम सुन रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लोगों के जीवन में खुशी लाई है। हमारे साथ वैसी महिलाएं हैं जिनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके किलकारियां भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि किस तरह से। तो हम सोच सकते हैं कि अगर इनको लकड़ी चुनने जाना होता या कहीं और तो कितनी परेशानी होती थी। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में और मन में ये बात जरूर रही होगी कि महिलाओं का हित किस तरह से हो, तो वैसे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक वरदान साबित हुआ है। क्या मैडम? एक ये है जो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गरीब घर के हैं, चाय बेचने वाले से ज़्यादा उनका ये प्रचार है इस बारे में। तो सही मायने में वो जब देखते थे खाना जब बनता था, उनकी माँ के आँख से लगातार जो आंसू बहती थी, तो उनके मन के अंदर तो सही बात है ये बातें थी ही। और जब एक मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने सम्मान की दृष्टि से जो शौचालय जो ये है वो, उसके बाद ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत ये कार्यक्रम। और मैं अगर कहूँ कि सही में ये जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं ये बहुत ही जागरूक हैं आज के समय में, और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जब इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है तो ये अब स्वयं से ज़्यादा दूसरे के लिए ज़्यादा काम करने के लिए आतुर रहती हैं। और वैसे एक प्रचार हो जाता है कि जैसे बोल रहे थे भाई साहब की दिक्कतें होती हैं, शुरू में थी एक आदत जो बंधी हुई रहती है, लगी हुई रहती है वर्षों से, तो इनका एक आदत था कि चलो लकड़ी से ये करना है ये, लेकिन धीरे धीरे हम वही देखते हैं कि इतने बदलाव आ गए कि आज ये स्वयं उस ये पे लेने के लिए आतुर कि हम मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। ये तो शुरुआत से भी कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, समाज और गांव होता है। और ये तो वैसे में अगर महिलाओं में बदलाव आएगा तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव आना एक निश्चित कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी बताइए क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए?
क्या हम लोग पाए हैं ये क्या बया कर रही हैं जी? इन लोग का अभी जो भी अपनी उपलब्धि बयान कर दिया जो कितना हम लोग अचीव किए हैं जी। अब हम लोग जो हम लोग का टारगेट है जो अब छूटे हुए लोग हैं उनको हम लोग पाले, उन लोग को भी इस लाभ से लाभान्वित कर दें। अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग जितना मेहनत कर रहे थे, आज आप लोग का जो कुछ भी सुने उससे सब कुछ बहुत हल्का लग रहा है। लग रहा है जो मेहनत किया गया था वो कम था और मेहनत करेंगे। तो एक आत्म जो कहते हैं वो सुविधा भी होती है और लोगों के मन में एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने समाज को भी अपनी तरफ से कुछ दिया है। जिस तरह से महिलाएं और बहनें खुश हैं उसका एक परिणाम सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हरीश जी किस तरह से, और अगर इस तरह से उत्साहवर्धन होता है तो हमको लगता है कि और काम करने का एक मूड बनता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो सही है कि उज्ज्वला योजना में हमने बहुत काम किया और ये दिख रहा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितनी बहनों से बात हुई जी उसमें अभी ये स्टेज जो ट्रांसफॉर्मेशन का है अभी आधा ही हमने अचीव किया है जी। क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि खाना बना लेते हैं और उसके बाद हम आराम से बैठते हैं जी। तो ये जो खाली समय है मैं तो कहूँगा कि उसका सदुपयोग करें। ग्राम में आजकल गांव में बहुत सारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के स्कीम्स बहुत सारे ये व्यक्त कर नहीं पा रहे, ये लोग सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट व्यक्त उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बैठ लेते हैं, मतलब उस समय ऐसा था कि इनको समय मिलता नहीं मिलता था, मिलता नहीं मिलता था। और अभी थोड़ा आराम है तो थोड़ा बैठ भी लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि समय 9 बजे तक हम सारे कार्य को कर लेते हैं और उसके बाद जो बाकी कार्य होते हैं वो भी कर लेते हैं। क्योंकि झारखंड में एक चीज और देखने को मिलता है कि ग्रामीण नहीं सकते परिवेश में जो है ना महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब देश के स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि झारखंड एक रोल मॉडल के रूप में है जिस तरह से यहाँ महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात सही है, यहाँ पर काफी महिलाएं जो है बहुत ही एक्टिव है। सामाजिक पहलू पर बात हो रही है तो इतना जरूर कहूंगा ये कनेक्शन रिलीज करने के दौरान हम लोगों ने महिलाओं को खोजा जी, गांव में जाके जी, बस्ती में जाके। तो अभी जो सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बूढ़ी माँ है घर में जी, राशन कार्ड उसके नाम से है जी, उसका बेटा बहू उससे अलग रहता है, कनेक्शन मिलना है उसकी माँ को जी। तो मैं तो कनेक्शन पे साइन उसकी माँ को कराऊंगा। ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाते हैं जी। तो झारखंड बनने के बाद यहाँ जो सिनेरियो हो गया था, लोगों ने गलत तरीके से अंगूठा लगा के लोगों की जमीन लिखवा ली, लीज ले ली, तो एक भावना उत्पन्न हो गई थी डर कि मेरा अंगूठा लगा के मेरा जमीन नहीं ले रहा है। मगर जब हम लोगों ने उनको बताया कि नहीं भाई, हम लोग आपका गैस आया है इसलिए आपके घर पे आए हैं, सरकार पहुंच रही है आपके द्वार पे, सरकार पहुंच रही है, तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का एक नारा है इस स्कीम में देखने को मिला। इसमें चाहे वो पीडीएस डीलर हो, जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, इंडियन ऑयल के हमारे झारखंड के नोडल अफसर हो, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो, इन सब लोगों का एक मिला जुला हमारे वार्ड पार्षद, हमारे लोकल विधायक, इन सबों के सहयोग से इस योजना को हम झारखंड में जमीन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो देश जी वही कह रहे हैं कि जो एक लोगों के मन में डर था या पहले जो आज से पहले 5 साल जो स्थिति थी उसमें बदलाव लाने में एक सामाजिक बदलाव लाने में जो सामाजिक बदलाव आया है उसमें जागरूकता की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिन्नी जी हम आपसे भी जानेंगे कि किस तरह से आप जो बता रही थी कि आप बच्चे को अब समय पर स्कूल भेजती हैं, आप भी महिला सशक्तिकरण की राह पे आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरह से आपको उज्ज्वला योजना आपको सशक्त बना रहा है? उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ मैं। जब से हमको गैस मिला तो हम पहले सिलाई सेंटर जाते हैं तो टाइम से जा नहीं पाते थे, हमको बहुत लगता था कि सारे लोग पहुँच जाते हैं हम पहुँच नहीं पाते। घर का काम करना, बाल बच्चा को देखना, परिवार को देखना, घर को संभालना, प्लस अपने टाइम को ही 2-4 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हम निकाल के जाते थे वहाँ। हमको लगता सब कोई पहुँचते थे तो हम बाद में पहुँचते थे, तो हमको लगता था काश अगर हम भी टाइम से पहुँचते तो हम भी हमको अच्छा भी अच्छा शिक्षा मिलता जे। तो हम वही धीरे 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 सोचते सोचते हम जब गैस का कनेक्शन के लिए हम भरे और गैस कनेक्शन हम लोग को मिला फ्री में, हमको बहुत खुशी फील्ड होती है। और जैसे अभी गैस में खाना चढ़ा के
झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेते हैं, साथ साथ खाना भी पकता है, प्लस मेरा काम भी होता है और मैं सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ, जो मैं सिलाई करती हूँ। तो देखिए कैसा विनय जी बता रही थी कि उनके जीवन जीने का तरीका बदल गया, एक साथ वो कई काम करती हैं जो पहले संभव नहीं था। वैसे ही हमारे जो दूसरे लाभार्थी थे उनसे भी जब बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं गाँव में बदलाव आया है, लोगों के पास समय निकला है तो एक आर्थिक सशक्तिकरण की बुनियाद भी मजबूत हो रही है। संजय जी किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला, आपके पास तो आंकड़े पहुँचते रहते हैं, तो एक आर्थिक सशक्तिकरण हम कहते हैं कि जिस गांव में पहले कुछ नहीं था वहां महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे हितकारी इसमें हो रहा है? हम लोग अभी सिर्फ टाइम के बारे में सोच रहे हैं जी, इसका दूसरा पहलू आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं जी पूछ रहा हूँ। जो आप धुआं में बैठे रहते थे उसके बारे में तो नहीं बोले कोई कि हमारा स्वास्थ्य अब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा आप लोग नहीं महसूस कर सकते हैं। उसमें दो बातें और भी है, धुआं से जो स्वास्थ्य का ये तो है ही, जो आमदनी होती थी हेल्थ पे असर तो होता ही था, जो आमदनी होती थी उसकी आधी कमाई वो डॉक्टर के पास चला जाता था, वो बचा। प्लस जो हमारा पर्यावरण की अशुद्धि की बात करते हैं, जो अभी मैंने पूरे विश्व में ये चर्चा है कि जो पर्यावरण अशुद्धि है वो पूरे विश्व में है, तो उसमें जो हम लोगों के पेड़ पौधे होते हैं लकड़ी के लिए, हम लोग लगातार जंगल की कटाई कर रहे हैं और आज अपना जो डाटा पहले का है उससे काफी हम लोग नीचे आ गए, तो उसका भी एक बचाव हुआ। और पर्यावरण अशुद्धि की अगर बात करें तो वो भी हमारा ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, इसमें जीव जंतु भी हमारे उसके साथ साथ सुरक्षित रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट हमारे ऊपर था, उस पे भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि विराम लगेगा, जंगल हमारे नहीं कटेंगे तो उसका एक फायदा होगा। हरीश जी किस तरह से जो हम कहते हैं कि IOC अपनी भूमिका इसमें अदा कर रहा है, तो उसमें क्या कुछ जैसे एक पैमाना है कि गैस और भी लोगों के बीच सुलभ हो, तो इसको लेकर कुछ और अभियान चलाने की जरूरत है क्या? देखिए समय समय पर देखिए भारत सरकार द्वारा जो भी अभियान होते हैं उसको क्रियान्वयन करने में IOC तो रहती ही है, और उसमें मेरा यही कहना है कि जैसे बीच बीच में प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जैसे अभी ग्राम स्वराज अभियान आया, फिर ग्राम स्वराज अभियान एक्सटेंडेड आया, तो उसी तरह एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को भी कुछ हमारा नया प्रोग्राम आएगा जिसकी अभी परिचर्चा की जा रही है, बट अभी उसको अनाउंस नहीं किया गया, तो उसके तहत भी हमें कनेक्शंस काफी करने हैं। कनेक्शंस के साथ साथ ये है कि लोगों के बीच सुगम, जैसे अब ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी जो एक चिंता की बात ये है कि ठीक है हमारे एजेंसीज तो शहरों में हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए, लेकिन अब पता चला कि हमने डिस्ट्रिक्ट से 200 किलोमीटर दूर किसी ग्रामीण इलाके में हमने गैस पहुँचाया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए उनको गैस मिला है, तो उनको रिफिलिंग आसानी से हो इसको व्यवस्था की भी जरूरत है। जी जी, इसको भी एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने जैसे अभी प्रेजेंटली झारखंड में करीब 400 डिस्ट्रीब्यूटर जी जो कि पूरे झारखंड को केटर करते हैं, लेकिन इसको जस्ट हम डबल करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 312 की एडवर्टाइजमेंट निकल चुकी है और प्रक्रिया में है, ग्रेजुअली हमको लगता है 1 साल के अंदर और 350 ये गांव तक पहुंच गए हैं। आपको शायद ये है जो डिस्ट्रीब्यूटर है गांव मतलब पंचायत वाइज भी उनका नहीं, टोटल 400 ही है पहुंचे हुए हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं है, लेकिन अभी और 350 के लगभग जिस तादाद में चाहिए वो नहीं, क्योंकि देखिए अभी ग्रामीण इलाकों में ऐसी कैपेसिटी हम नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण इतनी है कि लोग अपने घर में 2 रिफिल करा के रखे, अब गैस अगर खत्म हो गया तो वो 2 चाहिए, तो वो फिर जो आपका एक कनेक्टिविटी है वो टूटता है तो लोगों का मनोबल टूटता है, जो पहले के दौर में हम कहते हैं कि 90 और के दशक में जो हुआ करता था कि लोग गैस के लिए पता चला 1-1 हफ्ते लाइन में लगे, तो वो स्थिति अगर वैसी स्थिति नहीं है, प्रोडक्ट वाइज हमारा काफी अवेलेबिलिटी है और रीच भी जो है विलेज तक है, बट उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग जस्ट उसको डबल कर रहे हैं जी, जो नंबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर के उनको हम लोग दोगुना करने जा रहे हैं, तो करीब 312 हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया है पूरे झारखंड और 1 साल के अंदर और नए डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाएंगे, तो एक जो हम कह सकते हैं कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर का भी जो लाइन है वो झारखंड में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए सारे डायमेंशंस पर सोच में ये शामिल किया गया कि किस तरह से अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक भी सुविधाएं पहुँचे, और उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है क्योंकि वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो लोगों की क्या परेशानी है वो हमारे बीच लेकर आते हैं। हम उनसे एक फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे गंगोत्री जी से, किस तरह से और कुछ आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर इसमें जोड़ने की ज़रूरत है या बदलाव की आवश्यकता है? अभी इस लेवल उज्ज्वला गैस योजना के तहत इसमें जो है वो
एक तरह से कहे कि अगर इसमें जो जाति प्रमाण पत्र और ये सब जो ये करने का है, सीधे सीधे अगर आधार कार्ड से ही अगर हम इसको ये कर ले तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए हो जाएगा। आधार कार्ड से आप कर रहे हैं, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? थोड़ा सा बोलना चाहेंगे जी। डिस्ट्रीब्यूटर अभी जो राशन दुकानदारों पे इन लोगों को राशन मिलता है आधार कार्ड के थ्रू मिलता है, इनका अंगूठा लगाया जा रहा है जी। तो वही आधार हो जाए। और आधार से लिंक है अंगूठा लगाया जा रहा है, तो जिनके आधार से लिंक है अंगूठा लगा रहे हैं मतलब वो हर महीने राशन उठा रहे हैं जी। और जो हर महीने राशन उठा रहा है पहले गरीब फ्री का, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो गरीबी रेखा के नीचे आता है इरेस्पेक्टिव ऑफ जाति। यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है एससी एसटी ओबीसी वन को लेना है, ऑल द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी कवर्ड इन फ्यूचर। ये मोदी जी का लक्ष्य है और ये हो जाना, इसके बाद ये आएगा ही आएगा। अभी एसटी एससी और ओबीसी के लिए है, लेकिन गरीब तो जो भी गरीब है मतलब वही सोच है कि हर व्यक्ति तक ये योजनाओं का फायदा पहुंचे, उसमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक साल थोड़ा हम ऐड करेंगे जी। 10-15 साल पहले अगर आप देखे होंगे तो हर जगह छोटे छोटे अनऑथराइज सिलेंडर बिकते थे जी, है ना, जो इलीगल और उससे खतरा भी रहता था, खतरा भी था जी। और वो बिकता था 100 रुपया किलो जी। हमारा जो सब्सिडी का गैस आता है 40 रुपया पर के जी आता जी, और उसको भरवाता कौन है? वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो 100 रुपया रोज कमाता है वही उसको भरवाने जाता, और वो भी 1 किलो के बदले आधा किलो भर के लेता है, पैसा 100 रुपया लेता है, 20 रुपये का गैस का, और खरीद कौन रहा? और जो बड़े लोग थे हम सब्सिडी ले रहे थे, ठीक है, गैस भी पूरा ले रहे थे सब। ये जो सामाजिक परिवर्तन आया इस योजना आने के बाद, ये एक बहुत बड़ा क्रांति होगा। आज देखिएगा शहरों में इस तरह के इलीगल रिफिलिंग बंद हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि गरीबों को जो कम से कम एक काला बाजारी जो हम कहते थे पहले, काला बाजारी उससे रुका है। संजय जी फाइन जी, देखिए अभी जो कीमत के बारे में हो रहा था, जो आप लोग एक बार में 900 रुपया लगता जरूर है, 800 रुपया 750-800 रुपया लगता जरूर है, लेकिन उसको आप एक बार जो जो सोचती है उस तरह से नहीं सोचिए, उसको सोचिए जो कितना दिन चलता है। वो मान लीजिए आपका 40 दिन चल रहा है, तो एक दिन में 20 रुपया लगाना है, और उसके बाद सोचिए जो 20 रुपया के बदले में आपको क्या क्या करना पड़ता था, उसके लिए आपको कितना टाइम लगता था, लकड़ी खरीदती हो चाहे कहीं से काट चुन के कर लाती चुन के लाती, समय वेस्टिंग कितना समय बच रहा है, कितनी परेशानी है उस 20 रुपये के कारण। नहीं, इसमें तो मैम से कम कह रहे थे फाइनल कमेंट, लेकिन एक जानकारी जो और भी आती थी सोशल, जो उसमें ये था कि अगर महिलाएं जाती थी वो लकड़ी चुनने या कुछ और करने, तो उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना बहुत होती थी, तो एक इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी था सोसाइटी में, कि इसकी वजह से महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता था, तो उसमें भी कुछ कमी आई है। आपके पास तो आते होंगे इस तरह के लगातार, ये आता है सही है, क्योंकि अगर लकड़ी लेने जाना है तो जंगल ही जाएंगे, और कभी कभी है कि इकट्ठे लोग जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि लोग अकेले भी चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो आती है जो सामाजिक तौर पे झकझोर देने वाली बातें भी होती है। तो अभी के समय में बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आया है, जो अपराध हैं वो कम हुए हैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी कम हुए इसी पे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वैसे अपराध भी कम हुए हैं जो एक जंगलों में घटती थी या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती थी, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत सारे आयाम में हितकर है। हम फाइनल कमेंट हरीश जी से भी लेंगे कि किस तरह से जो एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव आ रहा है और आप लोग जो भूमिका निभा रहे हैं उसमें, आने वाले दिनों में वो और एग्रेसिव मोड में देखने को मिलेगा। एग्रेसिव तो ऑलरेडी हम लोग हैं अभी फिलहाल, सबके सहयोग से काफ़ी प्लान्ड वे में काम हो रहा है जी। और अभी जो हमारा जो चैलेंज है कि हमने आइडेंटिफाई जो कर लिया है लाभुक को ऑलरेडी, जैसे आपने बताया 24 लाख लाभुक है जो हमने आइडेंटिफाई किया, बट ऑलरेडी जो KYC हो चुके हैं वो करीब 30 लाख हैं जी। मतलब कि पूरे के पूरे लाभुकों को हमने कवर कर लिया है। तो अभी इस हमारा जो चैलेंज है कि जितना जल्दी हो हम सबको कनेक्शन दें और इनके घर में गैस पहुँच जाए। तो सबके घर में गैस पहुंच जाए और कनेक्शन पहुंच जाए, इसको लेकर हर विभाग मिशन मोड में काम कर रहा है, और किस तरह से सामाजिक बदलाव होना चाहिए इसका लोग लेकर भी जुड़े हुए हैं। बिन्नी जी से हम एक फाइनल रिएक्शन लेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में, वो कह रही थी कि उनके बच्चे को अब आसानी से वो स्कूल भेजती हैं,
अब अपना जो वो उनका अपना रुचि का काम था कौशल विकास जैसा, वो सिलाई पढ़ाई करती थी, तो उसमें भी सुधार हुआ है। तो किस तरह से और अब आगे आप में जज्बा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आपके समय की बचत की है, तो आगे कुछ और करेंगी आप? जी हाँ, हम तो आगे और कुछ करना चाहते हैं। अगर यही है कि हम मेरे जो सिलाई कढ़ाई पूरा होने के बाद में मैं खुद से अपनी दुकान लगाऊंगी और अपने काम करूंगी, जिसे वही समय के अभाव में मैं करती थी, लेकिन और जो हमको समय मिला उज्ज्वला योजना के तहत, उसी के जरिए हम अच्छे से करेंगे और बाल बच्चा को भी, जैसे पति के पति के भरोसे अपने तेल सिंदूर के लिए रहना पड़ता था, वो हम नहीं रहेंगे, अपने अपने बहुत से हम अपने सरेची जी करना चाहते हैं, अपना बच्चा का भी पढ़ाई मैं खुद से निकालना चाहती हूँ कि पति के साथ हमको बोलना ना पड़े कि आप पैसा दीजिए, बच्चों को फीस देना है, ये नहीं होगा। ये हमको बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही होना चाहिए। संजय जी, ये तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर सही बात है। तो हम तो चाहते हैं कि आपकी तरफ से ऐसे लोगों को कुछ और प्रमोशन होना चाहिए कि कौशल विकास हो और महिलाएं और ज्यादा अट्रैक्ट हो कि नहीं भाई हमने नहीं लिया उज्ज्वला, अब हमको लेना चाहिए। क्या संजय जी, कुछ आप कहिए। मैं इनका डिटेल लूंगा, आप इनका डिटेल लूंगा और कंसर्न जितने भी हमारे सरकारी महकमे हैं उनसे बात करूंगा। आपको फ्यूचर में कुछ प्लानिंग होगा तो उसके बारे में जो सरकारी मदद होगी, सरकार की जो योजना होगी उससे आपको लाभ। हरीश जी, एक और जी, मैं इनके जज्बे से बहुत ही सहमत हूँ कि अपने पति के कदम से कदम मिलाकर पीछे नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि उनके साथ साथ में चलना चाहती। वैसे ही हमारे जब कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी तो उन लोगों का भी यही कहना था कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आने के बाद। जो हम एक डिपेंडेंट थे कि इस तरह से हमारा वक्त मिलता है तो हम कुछ कर पाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से किस तरह से देश में सामाजिक बदलाव आया है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में एक जो हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर होने की भावना पैदा हुई है और वो किस तरह से बदलाव की भागीदार हो रही हैं, इसकी भी परिचर्चा भी हम कर रहे थे और किस तरह से लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो समाज में जो एक हम कह सकते थे कि कुरीतियाँ थी, जो एक तरह से दुर्व्यवहार की घटनाएं होती थी, उसमें भी विराम लगा है और साथ ही साथ महिलाओं का जो स्वास्थ्य का इंडिकेटर्स था उसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि जो धुएं और प्रदूषण से महिलाएं काफ़ी प्रभावित होती थी, उन्हें चूल्हा चौका में करीब 2 से 3 घंटा या हम कह सकते हैं 5-5, 6-6 घंटे का वक्त लगता था सुबह से शाम, वो चूल्हे चौके में गुजार देती थी, तो उसका भी एक बदलाव हुआ और महिलाएं के पास जब वक्त निकला है तो उनकी जो नई पीढ़ी है उसके लिए वो स्कूल भेजने का वक्त उनको मिलता है, साथ ही साथ उनके लिए वो लजीज पकवान भी बनाते हैं जैसा कि अपने अनुभव सब लोग बता रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री की सोच है कि हर घर में स्वच्छ ईंधन पहुंचे और महिलाओं का, खासकर महिलाओं का जो जीवन का उत्थान हो और वो स्वस्थ बने, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफी सहायक सिद्ध हो रही है। तो नव भारत मंथन में आज बस इतना ही, अगले विषय के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। हमारे स्टूडियो में आए सारे मेहमानों को हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं।